एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ दोपहर के समय एक जंगल के रास्ते जा रहे थे। जंगल में कुछ दूर पहुंचकर महात्मा गौतम बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। उस जगह से एक मील पीछे एक नदी है जो उन्होंने आते समय देखी थी। आनंद को उन्होंने वहां जाकर पानी लाने को कहा। एक मील की दूरी तय करके आनंद जब उस नदी के पास पहुंचा तो देखता है कि उस नदी का पानी गंदा था। शायद उस नदी को किसी बड़े दल ने सवारी सहित पार किया था। जब आनंद ने देखा कि पानी साफ नहीं है और इसे ले आना उचित नहीं है तो वह वापस वहीं आ गया जहां गौतम बुद्ध उसका इंतजार कर रहे थे। आनंद ने गौतम बुद्ध के समक्ष सारी स्थिति रखी और कहा कि हम आगे चलकर किसी दूसरी नदी से अथवा किसी अन्य स्रोत से पानी पी लेंगे। पर महात्मा बुद्ध ने ये बात न मानी और कहा कि उन्हें उसी नदी का पानी पीना है, इसलिए वह दोबारा जाए और उसी नदी का पानी लेकर आए। आनंद इस बात से बहुत हैरान हुआ कि महात्मा बुद्ध को उसी नदी का पानी क्यों पीना है, लेकिन महात्मा बुद्ध के आगे वह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। आनंद फिर से उस नदी की तरफ चला गया। जब वह वहां पहुंचा तब उसने देखा कि नदी का पानी पहले से थोड़ा साफ हो गया था। धूल के साथ नीचे से उठे पत्ते, कीचड़ और कई और चीजें धीरे धीरे नीचे बैठ रही थी। बाकी की गंदगी पीछे से आने वाला पानी अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। आनंद सब धीरे धीरे देख रहा था। वह वहां कुछ देर बैठा। देखते ही देखते नदी का पानी एकदम स्वच्छ हो गया तो आनंद ने पीने के लिए पानी भरा और वापस महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। पानी लेकर पहुंचने पर सबने पानी पिया। तब महात्मा बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम तो कह रहे थे कि पानी पीने के लायक नहीं है, तो फिर यह पानी इतना स्वच्छ कैसे? भगवान, वह तो पहली बार में गंदा ही था, बाद में साफ हो गया, तो तुमने पानी साफ कैसे किया? क्या तुम पानी में से गंदगी को हटाने लगे, या फिर तुमने पानी में जाकर गंदगी से लड़ाई की? ऐसा क्या किया तुमने कि पानी साफ हो गया? भगवान, क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने कुछ भी न किया। जब मैं दोबारा गया तो पानी थोड़ा साफ हो चुका था। कुछ क्षण बैठकर प्रतीक्षा की, उसके बाद पानी एकदम स्वच्छ हो गया। यही तुम्हारी शिक्षा है आनंद, इसे ग्रहण करो। पानी की तरह तुम्हारा मन भी होता। जो आज तुम उस नदी के साथ करके आए हो, वही अपने मन के साथ करो। अगर तुम मन में आए नकारात्मक विचारों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वे सदा ही तुम्हारे मन में बने रहेंगे और तुम्हें गलत कामों की तरफ बढ़ाते रहेंगे। अगर नकारात्मक विचारों के प्रति अपने मन को शांत रखोगे तो वे विचार अपने आप चले जाएंगे। ये विचार भी मन रूपी नदी की तरह है। अगर इसमें गलत विचारों के कीचड़ सामने आते हैं तो उनकी उपेक्षा करो, उन पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो, नकारात्मक विचार अपने आप चले जाएंगे। आनंद अब तक सब समझ चुका था। इसके बाद कुछ देर विश्राम करके वे सब फिर से आगे बढ़ने लगे। मित्रों, इसी तरह हम भी जब अपने अहम को त्याग कर बुरे विचारों से दूरी बनाएंगे तो अच्छे विचार अपने आप हम तक पहुंच जाएंगे। अनावश्यक और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने का यही सबसे सरल और सुखद माध्यम है। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी, हमें कमेंट करें और कहानी को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।